भरम था मेरे पास तुम हो। पहले रोज पूछता, फिर जब उसकी तस्वीर पर या उसके साथ जुड़ी किसी भी चीज पर नजर पड़ती थी तब पूछता था। अब नहीं पूछता। एक दिन उसने मुझे खुद कहा कि मुझे बोर्डिंग में दाखिल करा दें पापा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। उस दिन मुझे लगा कि वो बड़ा हो गया। अपनी हालत देखिए आप। यही तो सोच रहा हूं, कुछ महीने का शोक काफी है। अब अपनी हालत को बदल लूं, आप मदद कीजिए ना मेरी। पैसे चाहिए? हाँ। कितने? नहीं, कोई 20-25 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा। उधार नहीं, पर्सनल। इतने पैसे क्या करेंगे आप? सोचता हूं अगर इतने पैसे ना मिले तो क्या करूं। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं 3 साल। अपने पसंद की हर चीज खरीदना चाहता हूं, दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत, सब बिकते हैं, सब खरीदूंगा। गुस्से में हैं आप? नहीं, होश में हूं। जाते हुए नींद से जगा गई वो मुझे। कसम से वतीन साहब, जब वो जा रही थी तो मुझे उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था, उल्टा गुस्सा मुझे शहवार पे था। अबे साले, अगर सचमुच मोहब्बत हो गई है तो बात उससे करो जो साली वफा की बात करे तो वफा भी करे। औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। आजमा कर देखिए, ये दुनिया अच्छे मर्दों की वजह से नहीं चलती, अच्छी औरत की वजह से चलती है। आप आगे तो बढ़िए, कोई ना कोई आपको मिलेगी जो आपको बताएगी कि मेरी वजह से चलती है दुनिया। बिल देना छोटू। बिल मैं दूंगा। अरे छोड़िए मतीन साहब, आप क्या मैं क्या, आप ये सोचिए कि 20 करोड़ कैसे मिलेंगे। साहब 240। मिलते हैं मतीन साहब, सोचिएगा जरूर।
अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम। आइए आइए प्लीज बैठिए। मिस हानिया को बुलाया था? जो आ रही है। अच्छा आप जाइए जी। दानिश साहब ये है आपके बेटे की प्रोग्रेस रिपोर्ट। एग्जाम्स एवरेज मार्क्स 42%। Attitude does not cooperate. Games, sports, does not participate. Student interaction, zero. May I come in? Aiye, aiye, Miss Hania. Aiye, baithiye. Good morning. ये Miss Hania है, Rumi ki class in charge. और ये है Rumi के वालिद, दानिश साहब। जी आई एम हिज फादर। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इनको बोर्डिंग में क्यों डाल दिया? क्योंकि उसने खुद सजेस्ट किया था। गॉड, ही सजेस्टेड टू यू और आप मान गए? कितने बच्चे हैं आपके? सिर्फ रूमी है बस। और उसने आपको सजेस्ट किया और आपने उसको बोर्डिंग में डाल दिया? I think I was wrong, है ना? And I think वो इस स्कूल में चल नहीं सकेगा। No no, देखें please। देखें सर, I think he has a problem। बात करो तो मुंह बिसोड़ लेता है, recess में अलग बैठता है and homework always incomplete। सवाल करो जवाब नहीं देता। जवाब देगा तो पहले सोचेगा, बल्कि सोचता ही है जवाब नहीं देता है। देखें आप एक मौका देना है, बस एक चांस। देखें सर, उसकी वजह से क्लास के दूसरे बच्चों पर भी काफी असर पड़ रहा है, बल्कि एक दो ने तो कहा है कि उसे डर लगता है। डर क्यों लगेगा? वो कि जिन भूत है क्या? नो 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 नो, ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इंटेलिजेंट। बस वो कोई प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। आप उसे एक चांस दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर उसने इंप्रूव ना किया तो मैं उसे खुद यहां से ले जाऊं। तो ठीक है, आप उनकी मदर को बोले वो आए और कमिटमेंट दे दे, मैं चांस दे देती हूं। कहां से लाऊं उसकी मां? डिवोर्स ले लिया उसने, मुल्क से बाहर चली गई। क्या लेंगी आप कमिटमेंट उससे? आई एम सॉरी, वो क्या है कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। बेटा है वो मेरा। देखें मैं जानता हूं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बस मां की जुदाई में तड़प गया तो वो इसलिए वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। आज मैं उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा और अगर उसने प्रॉमिस कर लिया तो देखना वो ही विल बी फाइन, रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। It's okay, Danisa. We understand. Take your time. It's okay. Thank you. Thank you so much. And I'm sorry again. मैं loud बोल के। नहीं, it's okay. Okay. खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। प्रिंसिपल ने बुलाया था मुझे। आई नो,
रोज है तुम्हारी क्लास टीचर, तो बोली कि तुम इस स्कूल में नहीं चल सकते। रिपोर्ट देखी है मैंने तुम्हारी, एग्जाम्स परसेंटेज ओनली 42, एटीट्यूड नॉट सेटिस्फैक्ट्री, डिबेट्स यू डोंट पार्टिसिपेट, इंटरेक्शन जीरो, किसी से बात नहीं करते, सवालों का जवाब नहीं देते। तुम्हें पता है मेरा दुख तुम्हारे दुख से ज्यादा है। अगर मां छोड़ के भी चले जाए तो मां ही रहती, बीवी छोड़ के चली जाए तो बीवी नहीं रहती। फिर भी मैं रोज काम पे जाता हूं, ठीक से काम करता हूं, आकर खाना भी पकाता हूं। और तुम क्या हो? बुजदिल, जरा सी चोट क्या पहुंची हार के बैठ गए? ये भी नहीं सोचा कि पापा को स्कूल वाले बुलाएंगे तो पापा की इंसल्ट हो जाएगी। तो बता, तू चल नहीं सकता क्या? मुझे सुन के गुस्सा आ गया था। मैंने गुस्से में टीचर से कहा कि माय सन इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको एक मौका और दो, अभी अपनी मां की जुदाई में तड़प रहा है इसलिए ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। यू गिव हिम अ चांस, ही विल गिव यू रिजल्ट्स। गलत काम है ना? नो प्रॉब्लम, इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है ना। यू नो, एक दफा मैं भी तड़प कर रो पड़ा तो मुझे लगा आई एम कावर्ड, पर मैंने सोचा कि मेरे पास तो रूमी है, रूमी इज माई स्ट्रेंथ। बट यू नो, यू आर माई वीकनेस। ओके, आओ हक करो मुझे। मेरी किसी बात को दिल पे मत लेना, हम किसी और स्कूल में पढ़ लेंगे। जाओ, तुम्हारी क्लास होने वाली है, मैं सैटरडे को आकर ले जाऊंगा तुझे। सुनो, तुम्हारी चॉकलेट्स। थैंक यू पापा। सुनो पापा, रूमी इज नॉट योर वीकनेस, रूमी इज योर स्ट्रेंथ। अब कभी मत रोना पापा, मामा भी अगर छोड़ जाए मामा नहीं रहती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चाय या कॉफी? चाय ले आओ। अभी लाया। लेट हो गया बात। कोई बात, रूमी के स्कूल गया था, उसकी प्रिंसिपल ने बुलाया था। ये लिफाफा देखिए, इसमें क्या क्या है? आपकी प्रमोशन हो गई है दानिश मियां, 17th ग्रेड में आ गए आप माशाल्लाह।
अरे सिर्फ अरे अरे ढंग से खुश तो हो जाया कीजिए दानिश मियां। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। तो मिठाई खिलाइए, जल्दी से मंगवाइए। हाँ भाई इधर आओ, इधर आओ। ये मिठाई लेके आओ, बैठिए ना। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी नहीं है, मतलब बहुत बुरी है, और टीचर ने कहा है कि वो नॉर्मल भी नहीं है। फिर मैं मिला उससे, बैठकर बात की, आते हुए प्रॉमिस किया उसने। दानिश मियां, आपकी प्रमोशन हुई है। तो इससे क्या होगा मतीन साहब, मतलब मैं खुश हूं प्रमोशन हुई है मेरी, लेकिन उसकी टीचर ने कहा है कि वो स्कूल में चल नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं है मुझे। हाँ रात 10-11 बजे तक सो जाता हूँ, 12 भी बज जाते हैं। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। मतीन साहब, खाना नहीं खाया आपने? बस आप ही का इंतजार कर रहा था, आपकी आदत हो गई है मुझे। कुछ खरीद रहे हैं क्या? नहीं, कुछ बेच रहा हूं। क्या? अपना फ्लैट। मगर आप तो कहते थे कि। मैं तो बहुत कुछ कहता था मदीन साहब, कि मेरे जैसे आदमी के कहने से क्या होता है। फ्लैट क्यों बेच रहे? रात आपसे मिलके गया तो बैठकर सोचता रहा, किसी की बात याद आ गई कि बिजनेस में बस पहला लाख जरूरी होता है, तो लाख वाली बात तो पुरानी हो गई, इसलिए लगा कि अब पहला करोड़ जरूरी है, तो सोचा कि पहला करोड़ फ्लैट बेचकर बनाते हैं। मगर वो साला 70 लाख रुपए दे रहा है बस। बिजनेस करेंगे आप? बताया तो था। मगर दानिश साहब, नौकरी के साथ बिजनेस नहीं होता। तो नहीं करूंगा नौकरी। दानिश साहब, आज अभी आपकी प्रमोशन हुई है और आप कह रहे हैं कि आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नौकरी नहीं करूंगा तो जिंदा नहीं रहूंगा? तो घबराइए मत, जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरे पास ये 20-25 करोड़ ना हुए तो मर जाऊंगा पतिन साहब।
कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। कैसे दीवान साहब? क्या? You're such an amazing partner. And you're such a what? हम शादी क्यों नहीं कर रहे? मैं भी तुम्हें हबी कहकर बुलाना चाहती हूँ। हंस क्यों रहे हो? मोहब्बत से दिल भर गया। कैसी बातें करते हो? अभी तो पता चला है कि मोहब्बत होती क्या है। बोलो ना, हम शादी कब करेंगे? एक बात पूछूं? हाँ। हम शादी करके साथ क्यों रहना चाहते हैं? मोहब्बत करके साथ क्यों नहीं रह लेते? You are joking. No, I'm not joking. It's a million-dollar question. इतने महीनों से साथ हैं हम, पूरा यूरोप घूम लिया, कभी लगा ही नहीं कि मोहब्बत निभाने के लिए शादी करना जरूरी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी नजर आई? बोलो ना। कभी भी मेरा जी उठता है तुमसे? वो तो ठीक है, लेकिन जब ठीक है तो लेकिन क्या? तुम क्यों लोअर मिडिल क्लास लड़कियों की तरह सोचती हो, जब मोहब्बत करने के लिए शादी की दुआएं मांगती है? शहबाज कहा ना, मोहब्बत में अभी रहने दो, जब लगा कि शादी करना इंपॉर्टेंट है तो कर लेंगे। स्वीट हार्ट, शादी में डिवोर्स हो जाती है, मोहब्बत में डिवोर्स नहीं होती। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। इसकी परवाह नहीं है। आपका गुस्सा उतर गया? गुस्सा? गुस्सा कब किया मैं? हाँ, वो उस दिन आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे तो मैं डर गया था। मैं बिल्कुल नहीं डरा। फ्लैट की बात भी हो गई, पहले वाला डीलर चकमा दे रहा था मुझे, दूसरे ने 80 लाख दिला दिए। फ्लैट बेच दिया? नहीं, अभी नहीं, 10 दिन बाद। कल एडवांस मिल जाएगा, फिर 10 दिन बाद मैं रिजाइन करता हूं। आप एक बार और सोच लीजिए दानिशा। पहले बहुत सोचा करता था मतीन साहब, अब लगता है ज्यादा सोचो तो गुस्सा करता है। वो चाहता है बंदा बस काम करता है। चाय ला छोटू, और साथ दो आलू के पराठे भी लिया।
फ्लैट बेच देंगे तो आप रहेंगे कहाँ? कराए के फ्लैट में। और काम क्या करेंगे? अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो सोचूंगा। एक मशवरा दूंगा आपको, इसीलिए तो आता हूं मैं आपके पास। जब तक काम ना चल पड़े उस वक्त तक इस्तीफा मत दीजिएगा। आप बूढ़े हो गए मतीन साहब, डरपोक। काम ये सोच कर किया कि काम नहीं चलेगा, फिर तो कभी नहीं चलेगा। और फिर नौकरी के साथ बेईमानी करूंगा तो हराम खाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। बस ये सोचकर समंदर में कूद जाऊंगा कि तैरना आता है, लाइफ जैकेट नहीं पहन। पराठे भी ला रहा हूं। ले आओ। शादी कर लीजिए। क्यों? आगे बढ़ने के लिए पीछे एक औरत का होना जरूरी होता है। आप मानते हैं इस बात? नहीं तो मानता हूं। अगर मैं नहीं मानता, अगर ये बात सच भी है तो साबित करूंगा कि ये झूठ है। यू शुड सी अ साइकियाट्रिस्ट। अक्सर गुस्से में आदमी अपनी लड़ाई हार जाता है। वो चली गई तो उसे दुआ दीजिए, वो दुख दे गई तो दुख ले लीजिए, और सलाम करके कहिए कि अगर आप मेरी नहीं हो तो सुनो जाने मन, हम भी आपके नहीं। आठ साल पहले मैं अपनी बीवी से मिला तो एक्चुअली उससे मिला नहीं था। मुझे ठोकर लगी, मैं गिरा तो पता चला उसके कदमों में गिरा। उसका हस्बैंड उसके साथ था, फिर भी मुझे चोट लगी तो वो तड़प उठी। सहारा देकर मुझे फुटपाथ से उठाया, मेरे पांव का जख्म साफ किया। इतनी देर में उसका हस्बैंड मेरे जख्मों पर लगाने के लिए दवा लेने चला गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? मुस्कुराई और बोली, बेवफाओं पे तरस खाते हैं मदीना, उनसे नफरत करते। सिगरेट, उसके मरने से एक दिन पहले उसके हस्बैंड का फोन आया, कहने लगा समीर ने बात करनी है। मैंने बात की, उसकी सांसें अटक रही थी। मुझसे पूछा कि बेवफाई की सजा मिलती है मतीन अहमद? मैंने कहा बिल्कुल। कहने लगी कितनी सजा मिली? मैंने कहा इतनी तो वफा करने वालों को जजा नहीं मिलती होगी। बोली,
जाओ वकीलर, मैंने तुम्हें माफ किया। बाद में उसके हस्बैंड ने मुझे बताया कि मरने से पहले वो मुझसे पूछ रही थी कि जब मैंने मतीन अहमद को माफ किया तो क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। से भी खाई थी छोटू, बिल दे दो। Yeah.
बड़े साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ। उनका पहले भी हार्ट अटैक हुआ था वहीं हमारे ढाबे पर, तब भी बहुत सिगरेट पिया करते थे। आप उनके घर में खबर दीजिए ना। तुम पता है उनके घर का? नहीं। आप ही मदीन साहब के साथ? जी जी मैम। आप क्या लगते हैं उनके? वो ठीक तो है ना? अभी वो होश में नहीं आए, आप क्या लगते हैं उनके? मैं दोस्त हूँ उनका, कलीग हूँ। अच्छा, एक काम करें, अपना आईडी कार्ड काउंटर पे जमा करवाएं और उनका सेल फोन पर्स ले जाइए। ओके। ठीक है। थैंक यू। गुलशन में रहते हैं। फोन कीजिए ना। किसको? उनके घर वालों को। उस दिन भी हमने उनके मोबाइल से फोन किया था और फोन पर अपनी बेटी का नाम वो माय डॉटर लिखते हैं। हेलो जी, मैं दानिश बात कर रहा हूँ, मतीन साहब का कॉलीग। आप उनकी बेटी बोल रही हैं ना? असल में मतीन साहब को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल के सीसीयू में। तुम बात करो। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मतीन साहब कैसे हैं? अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट गुड। हम आखिरी कोशिश करके देख रहे हैं, बाकी आप हौसला रखिए। मतीन साहब के साथ? जी। आई एम सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके। जो अल्लाह को मंजूर, हिम्मत रखिएगा। तुम